धन धन सतगुरु तेरी आसरा। सतगुरु जी की प्यारी सात संगत जी, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर है। जी हाँ सात संगत जी, जो मैं खुशी की खबर आपको सुनाने जा रहा हूँ उसको सुनकर आप फूले नहीं समाओगे। हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने सभी सात संगत के लिए ऐसा तोहफा दिया है जिसको सुनकर सभी सात संगत के मन में ऐसा एहसास होगा जैसे वर्षा से फूल बरस रहे हो। जी हाँ सात संगत जी, हजूर पिताजी ने सभी सात संगत को लाइव को लेकर बहुत बड़ी सूचना, बहुत बड़ी खबर सभी सात संगत के लिए लेकर आए हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हजूर पिताजी बरनावा आश्रम में इस वक्त सभी सात संगत को जूम के माध्यम से लाइव दर्शन दे रहे हैं, और हजूर पिताजी अब सोशल मीडिया पर भी दर्शन देंगे या नहीं देंगे इससे संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना सभी सत्संगत के लिए लेकर आया हूँ। जी हाँ सत्संगत जी, और खुशी की खबर यह भी है, जो मैं आपको खुशी की खबर देने जा रहा हूँ उसको बड़े ही ध्यान से सुनना है और सभी सत्संगत को शेयर भी करना है, ताकि हजूर पिताजी की पल पल की खबर सभी सत्संगत को मिल सके। इसीलिए हम हजूर पिताजी की पल पल की खबर इस चैनल पर डालते रहते हैं। जी हाँ सत्संगत जी, हजूर पिताजी किस दिन की फरलो पर बरनावा आश्रम में है, और हजूर पिताजी ने 15 अगस्त का जो भंडारा किया है वो बहुत ही हर्षोल्लास से किया है। आज तक ऐसा भंडारा नहीं हुआ जिसमें हजूर पिताजी ने इतना धूम मचा दिया। 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा सात संगत हजूर पिताजी के आशीर्वाद से और उनकी रहमत से सिरसा दरबार में पहुंची थी। मेला ग्राउंड भी पूरा भरा हुआ था, और जो सत्संग पंडाल है उसमें भी बाहर तक गेट तक जाम लगे हुए थे। पटाखों की ऐसे गड़गड़ाहट हो रही थी जैसे मानो शंख नगाड़े बज रहे हो। जी हाँ सत्संगत जी, हजूर पिताजी इसी बीच सभी सात संगत के लिए लाइव को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना लेकर आए हैं, और हजूर पिताजी अब सभी सात संगत को भी जो दूर दराज की सात संगत है जहाँ पर हजूर पिताजी ने लाइव दर्शन नहीं दिए उसके लिए भी इंपॉर्टेंट सभी सूचना लेकर आए हैं। हजूर पिताजी की इस बढ़ती हुई सात संगत को देखते हुए जो मीडिया है तिलमिला उठ रही है सभी सत्संगत के लिए, मीडिया की जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप सभी से विनती करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगत को शेयर कर दे, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि इस चैनल पर मैं डेरे सच्चे सौदे की हर एक खबर टाइम टू टाइम डालते रहते हैं। जी आप सभी से विनती करना चाहता हूँ, लाइक करने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हर एक खबर आपके पास नोटिफिकेशन के साथ पहुँच सके, क्योंकि हजूर पिताजी की जहाँ पर चर्चा होती है वहाँ पर कुछ ना कुछ अच्छे काम जरूर होते हैं, और मालिक बदले में क्या मालूम कितने बड़े सदगुरु जो है कर्म काट देते हैं। जी हाँ सत्संगत जी, हजूर पिताजी ने सिरसा दरबार में जो लाइव जूम के माध्यम से सत्संग किया था उसको देखकर मीडिया तिलमिला रही है। मीडिया बार बार यही सवाल उठा रही है कि हजूर पिताजी को पैरोल क्यों दी गई है। अरे कुल मालिक सदगुरु अपनी मर्जी से आते हैं और अपनी मर्जी से चले जाते हैं, ऐसा तो हमारी नज़रों में हकीकत है, और पूरी दुनिया को भी जो है हजूर पिताजी कानून का सम्मान रखते हुए ही सभी सत्संगत के जो है बीच में आते हैं, और मीडिया अपने आप इस बवाल को देखते हुए कि दिन दुगनी रात चौगनी जो धर्म का कार्य चल रहा है वो मीडिया से देखना ही जा रहा है। मीडिया के जो सोशल मीडिया के न्यूज़ चैनल है, जो पॉपुलर चैनल है, वे भी इस चीज़ से जो है उनके रोटी हजम नहीं हो रही है, उनको लूज मोशन लग रहे हैं कि हजूर पिताजी इतना मानवता भलाई का कार्य क्यों कर रहे हैं। लेकिन हजूर पिताजी ने कसम खाई हुई है, और हमने भी हजूर पिताजी के साथ साथ सत्संग जब से हजूर पिताजी से नामदान लिया, जाम भी आया, हजूर पिताजी से वचन भी लिया, 163 कार्य जो मानवता भलाई के कार्य चल रहे हैं उनमें हजूर पिताजी के साथ बढ़ चढ़कर सहयोग देना है, इस तरह के हजूर पिताजी से वचन किए हैं। वचन के साथ साथ उनके जो है हर बात को मानने के लिए, उनके वचनों पर 100% अमल करने के लिए हजूर पिताजी से वादा किया है। तो हजूर पिताजी की इस बढ़ती हुई सात संगत को देखते हुए मीडिया तिलमिला रही है, तो आप सभी ने हजूर पिताजी के लिए अभी बढ़ चढ़कर सेवा में सहयोग करना है, और हजूर पिताजी ने जो सेवा सभी सात संगत के लिए दिया उसमें सहयोग करना है। और कोई सात संगत सोशल मीडिया के माध्यम से भी जो है हजूर पिताजी के लिए सेवा कर सकते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगत तक पहुँचा कर, ताकि सभी को पता चल सके कि ये जो डेरा सच्चा सौदा है वो मानवता भलाई के कार्य के लिए रुकने वाला नहीं है। पहले से हमने हजूर पिताजी से ये भी वादा किया था कि हम तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं और तुम्हारे रहेंगे। इस तरह का हजूर पिताजी से आप कमेंट बॉक्स में नारा लिख कर ये बोल सकते हैं कि हजूर पिताजी हम तुम्हारे साथ थे, तुम्हारे हैं और तुम्हारे रहेंगे। और 1.5 करोड़ की सत्संगत जो है सिरसा आश्रम में पहुँची थी उसको देख कर बहुत ही मन हर्षोल्लास हो गया। दुनिया में आज से पहले इतना विश्व रिकॉर्ड नहीं बना, पहले से भी ज़्यादा सत्संगत जो है उमड़ी हुई थी, और हजूर पिताजी की सत्संगत को देखकर
पूरी मीडिया में हलचल मची हुई है कि हजूर पिताजी को 21 दिन की फरलो क्यों दे दी गई है। लेकिन हजूर पिताजी ऐसे ही आते थे, अपने कानून से आते हैं, कानून का पालन करते हुए आते हैं, आते थे और आते ही रहेंगे। सत्संगत जी, अगर आप भी हजूर पिताजी के साथ हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगत के साथ शेयर कर दो। वीडियो को 20 से लाइक कर दो ताकि सोशल मीडिया को और भी पता चल सके कि मानवता भलाई के कार्य करने वाले जो सत्संगत है वो कम नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर जो है न्यूज चैनल ये फैलाना चाहते हैं कि डेरा सच्चा सौदा की सत्संगत कम हो चुकी है। तो आप सभी सत्संगत को एक साथ मिलकर वीडियो को लाइक करनी है और कमेंट बॉक्स में हजूर पिताजी के साथ प्यारा सा MSG मुबारक देते हुए, 15 अगस्त की भंडारा देते हुए कुछ भी कमेंट बॉक्स लिख दो ताकि सभी को पता चल सके कि जो है डेरा सच्चा सौदा का जो मानवते भलाई का कार्य करने वाली सत्संगत कभी कम नहीं हुई है, बढ़ती है। विश्व रिकॉर्ड बनते हैं और विश्व रिकॉर्ड टूटते हैं तो सिर्फ हजूर पिताजी के द्वारा ही तोड़े जाते हैं। तो सत्संगत जी, हजूर पिताजी कोई भी खबर मिलेगी तो हम सबसे पहले लाइव को लेकर इस चैनल पर आपको देंगे। इसके लिए इस वीडियो को लाइक कर दे, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगत को शेयर भी कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसे ही कोई खबर मिलेगी हजूर पिताजी को सबसे पहले हम इस चैनल के माध्यम से आपको देंगे। इसलिए इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके और हजूर पिताजी की खबर आपको सबसे पहले मिल सके। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा।